और यूक्रेन के ओडिशा में फाइटर जेट्स, टीवी 9 भारतवर्ष के कैमरे में कैद फाइटर जेट आसमान में देखी युद्ध की तस्वीरें। ओडिशा, ये मिलता जुलता नाम भारतीय राज्य से, लेकिन ये है तटीय शहर जो कि ब्लैक सी से जाकर मिलता है यूक्रेन का, वो तटीय शहर जो ब्लैक सी से लगा हुआ है। और यहां टीवी 9 भारतवर्ष के कैमरे में फाइटर जेट्स, निश्चित रूप से ये वो फाइटर जेट्स हैं जिन्होंने क्रीमिया से उड़ान भरी होगी, ब्लैक सी में तैनात वॉरशिप से उड़ान भरी होगी और अब ये यूक्रेन की तरफ जा रहे होंगे। क्या देख रहे हैं हमारे संवाददाता अभिषेक उपाध्याय, उनके पास चलते हैं। अभिषेक, दिनेश देखिए, अभी हमने दो फाइटर जेट देखे हैं, ये तो मुश्किल से 5 मिनट पहले की घटना है। तेजी के साथ में फाइटर जेट यहाँ से निकले हैं और जैसे ही फाइटर जेट यहाँ से निकले हैं वैसे ही उधर से जो पोर्ट का स्टाफ है वो दौड़ता हुआ आ रहा है और उन्होंने कहा कि यहाँ से आप जाइए। ये सबसे जो जगह है, जो जानकारी मिल रही है कुछ ही दूरी पर, जो ब्लैक सी आप देख रहे हैं, जहाँ अटैक किया है रशियन नेवी ने, अटैक किया है यूक्रेन के नेवी पर अटैक किया है, उसके बाद से ये मूवमेंट हुआ है और दो फाइटर जेट यहाँ से गुजरे हैं। और चूंकि ये पोर्ट वैसे ही बंद कर दिया गया, ओडिशा का पोर्ट बंद कर दिया है, लेकिन जब से फाइटर जेट गुजरे उसके बाद से हमने देखा कि भागते हुए अंदर से जो स्टाफ था इसका वो भागता हुआ बाहर आया और उसने इमिडिएटली कहा है कि आप ये जगह आप छोड़िए। तो यहाँ पर इस पोर्ट पर, ये जो पोर्ट है ये सबसे इंपॉर्टेंट पोर्ट है इस पूरे ब्लैक सी में, ओडिशा का, यूक्रेन के हिस्से का जो पोर्ट है। तो आप मान लीजिए कि सीधे तौर पर ये अंडर अटैक है इस समय रशियन नेवी के जरिए। अभिषेक, लेकिन मैं एक रिक्वेस्ट आपसे करूंगा, आप अपनी जान को हथेली में रखकर वहां से हम तक खबरें पहुंचा रहे हैं, प्लीज एक तो कहीं शेल्टर में चले जाइएगा अगर आपको ये ताकीद की जा रही है, और दूसरे कम से कम हेलमेट और बुलेट प्रूफ आपके ऊपर होगा तो हम लोग आश्वस्त होंगे यहाँ आपको देखते हुए। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे टीवी 9 भारतवर्ष पर।